हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इन दिस वीडियो फ्रेंड्स विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अभी हम क्वेश्चन 19 से स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज आपके मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन की चल रही है। ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 19। इन विच मार्केट द डिमांड कर्व इज इनडिटरमाइंड। इनडिटरमाइंड मतलब जो डिटरमाइंड नहीं है, जो आपको पहले से नहीं पता है कि डिमांड कर्व आपका क्या होगा, वो इनडिटरमाइंड है। तो ऐसा किस मार्केट में होता है? तो देखो, अगर हम बात करते हैं सीधा परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, तो हमें पता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो डिमांड कर्व होता है वो इस तरीके से होता है, राइट? यह हमारा क्या होता है, ए आर होता है। इट इज़ ओनली एम सी ए आर एम आर सॉरी एम आर होता है, और यही हमारा प्राइस भी होता है, प्राइस लाइन या प्राइस कर्व आप इसको बोल सकते हैं। तो ये आपका डिमांड कर्व होता है यहाँ पे। सो परफेक्ट कंपटीशन में तो डिमांड कर्व है। अगर हम बात करते हैं ओलिगोपॉली मोनोपॉली मार्केट की, अगर हम बात करें तो मोनोपॉली मार्केट में हमारा डिमांड कर्व इस तरीके से होता है। ये आपका ए आर होता है, दैट इज़ डिमांड कर्व। ए आर जो है वही हमारा डिमांड कर्व होता है ना, एवरेज रेवेन्यू कर्व डिमांड कर्व होता है। ये आपका होता है एम आर कर्व, है ना? तो यहाँ पर भी हमारा जो डिमांड कर्व है वो एग्जिस्ट करता है, डिटरमाइंड होता है। सेम थिंग फॉर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, है ना? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है आपका डिमांड कर्व थोड़ा सा ऐसा होता है एज़ कम्पेयर टू मोनोपोली कंपटीशन। तो यहाँ पे भी आपका ए आर मतलब ये वाला आपका डिमांड कर्व होता है। देन किस मार्केट में डिमांड कर्व नहीं होता है या फिर इनडिटरमाइंड होता है? तो जब हम इनडिटरमाइंड डिमांड कर्व की बात करते हैं, हम ओलिगोपॉली मार्केट की बात करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं ना, डोमिनेंट फर्म्स होती है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो उसकी वजह से क्या होता है, सारी फर्म्स जो होती है वो एक दूसरे की स्ट्रैटेजीज़ का ध्यान रखती हैं, अकॉर्डिंगली वो अपनी क्या करती है, जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उनमें चेंज करती है। तो यहाँ पे कोई फिक्स डिमांड हम नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी के चेंजेस होते हैं, तो डिमांड को पहले से हम डिटरमाइन नहीं बता सकते, ठीक है? तो ओलिगोपॉली के केस में हमारी जो डिमांड होती है वो इनडिटरमाइंड होती है। अच्छा, यहाँ पे किंक डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट भी आता है। किंक डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट जो है वो भी ओलिगोपॉली मार्केट से रिलेटेड है। क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट, कि जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो किंक, किंक मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। पहले वो ज़्यादा इलास्टिक होता है, यहाँ तक इफ़ यू कैन सी ये ज़्यादा इलास्टिक है, और उसके बाद में ये ऐसा हो गया, मतलब कम इलास्टिक हो गया, है ना? तो ये किंक डिमांड कर्व का आई हैव रिटन काइंड किंग डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट भी आपका क्या होता है, ओलिगोपॉली मार्केट से रिलेटेड होता है। इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे विद द क्वेश्चंस ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर मोनोपॉली मार्केट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, मोनोपॉली मार्केट के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है डिमांड की? तो देखो, मोनोपॉली मार्केट में बिकॉज क्या है, हमारी एक सिंगल फर्म होती है मोनोपॉली मार्केट में। वही सिंगल फर्म बोल दो या फिर उसको मार्केट बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि पूरे मार्केट में एक ही फर्म है, ठीक है? सेकेंड थिंग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि जो हमारी प्राइस में चेंज होता है तो उससे डिमांड में कितना चेंज होगा। अब आप देखिए, जब मार्केट में एक ही फर्म है तो कंज्यूमर को उसी से जाके परचेस करना है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है उसके पास में, है ना? तो इस केस में क्या होगा, अगर वो वाली फर्म प्राइस को थोड़ा बढ़ा भी देती है तो आप मुझे बताइए, आप किसी और के पास तो डिमांड क्रिएट करने नहीं चले जाएंगे कि भाई ए फॉर्म से नहीं मिला, चलो डी फॉर्म से खरीद लेते हैं। नहीं, आपके पास ये ऑप्शन है ही नहीं, एक ही फॉर्म है मार्केट में, तो आपको जो भी खरीदना आपको इसी से खरीदना होगा। अब इस केस में क्या होता है, अगर ये प्राइस को इनक्रीज़ करती है तब भी आप अपनी डिमांड को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, बट उसको बिल्कुल ही चेंज करके किसी और के पास अपनी डिमांड को यू नो फुलफिल करने हम नहीं जा पाएंगे। तो इस केस में क्या होता है, हमारी जो प्राइस में चेंज होता है उससे कम हमारी डिमांड में चेंज होता है ना, प्राइस में जो हमारा चेंज होगा उससे कम हमारी डिमांड के अंदर चेंज होगा। तो ये किससे रिलेटेड है, व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू वन? नहीं, इसका मतलब है कि अगर आपकी प्राइस में 10 रुपीज़ से चेंज हुआ है तो डिमांड भी आपकी उसी परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। तो वन कैन नॉट बी द आंसर। ज़ीरो मतलब अगर आपकी प्राइस में कुछ भी चेंज हुआ है तो डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस तो रहता है। लेस मोर देन यूनिटी मतलब अगर आपकी प्राइस में 10% का चेंज हुआ है तो हम 20% का चेंज कर दें, नहीं, इसके भी चांसेस नहीं होते हैं। बट द करेक्ट आंसर इज़ दिस, लेस देन यूनिटी मतलब आपकी प्राइस में अगर 10% का या फिर 20% का चेंज हुआ तो उससे कम, मतलब 10 से कम हम बोल सकते हैं 5% 7% ऐसा चेंज आपकी डिमांड में होगा, ठीक है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी कहाँ से रिलेट करती है, मोनोपॉली मार्केट से। लेस देन यूनिटी सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 21। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन
अ फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन. द रीज़न इज़ एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फर्म होती है वो लॉन्ग रन में क्या करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है. देखो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट था कि मैम जो हमारी कॉस्ट होती है और जो हमारी रेवेन्यू होती है अगर दोनों इक्वल हैं, जितना हमारी कॉस्ट आ रही है अगर उतना ही हम कमा रहे हैं तो क्या मतलब रहेगा, हमारा प्रॉफिट तो है ही नहीं. तो ऐसा नहीं होता है बच्चों. अगर आपको पता हो ये चीज़, ये कंसेप्ट अगर आपको लर्नर्स पता हो कि जो हमारा कॉस्ट होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बना होता है ना, जिसमें अगर हम फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो उसमें हमारा लैंड, लेबर है ना, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर आता है. तो इसमें लैंड को तो रेंट मिलता है, कैपिटल को मिलता, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट. तो एक मिनिमम नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट के अंदर एडेड रहता है ना. इसलिए अगर रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल रहते हैं तब भी क्या होता है, रेवेन्यू कॉस्ट दोनों इक्वल रहते हैं तब भी हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है. बट अगर उस कॉस्ट से ज़्यादा अगर हमको रेवेन्यू मिल रही है, मतलब कॉस्ट हमारी लेट सपोज 10 रुपीज़ है, रेवेन्यू हमारी 15 रुपीज़ है, तो इसमें हमें कॉस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये कौन सा प्रॉफिट होगा मैम, तो ये होगा आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है आपको, ठीक है. बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है लॉन्ग रन में. इसका क्या मतलब है, जो हमारी कॉस्ट होती है उतना ही हमारा क्या होता है, रेवेन्यू होता है. तो ऐसा क्यों होता है, ऑप्शंस पे जाएंगे. होमोजीनियस मतलब सेम प्रोडक्ट, क्योंकि हमें पता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सारी फर्म सेम प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करती है मार्केट में. क्या ये रीज़न है हमारे लॉन्ग रन प्रॉफिट का, नहीं, दिस इज़ नॉट द रीज़न. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है, बट इससे लॉन्ग रन के नॉर्मल प्रॉफिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता. हम बोले लार्जेस्ट नंबर ऑफ बायर्स, सबसे ज़्यादा बायर्स जो है परफेक्ट कंपटीशन में होते, तो क्या उससे नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नहीं, उससे भी नहीं होता है. क्या बचा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स, ये बी आपका करेक्ट आंसर बनता है. अब क्यों बनता है वो आप यहाँ पे देख लो जल्दी से. देखो अगर कोई इंडस्ट्री है ना, लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं शू इंडस्ट्री का. यहाँ पे अगर हमें लगता है कि भाई यार शू इंडस्ट्री में तो बहुत प्रॉफिट है, बहुत बेनिफिट है, यहाँ पे तो बहुत प्रॉफिट भी मिलेगा हमको, है ना, कॉस्ट भी कमाएगी, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी फर्म्स जो होगी शू इंडस्ट्री में आने के लिए अट्रैक्ट होगी. तो जब बहुत सारी फर्म्स इस शू इंडस्ट्री में आने के लिए अट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, आएंगी और अपना प्रोडक्ट को सेल करेगी, तो मार्केट में जो है क्वांटिटी जो है, सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. अब इससे क्या होगा, हमें पता है जब सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी मार्केट में, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आएंगे तो प्राइजेस मार्केट की जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी. तो इस केस में क्या होगा कि इनको जो ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट लग रहा था ना, शू इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगेगा, डिक्लाइन होने लगेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट इन सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो जैसे जैसे प्रॉफिट कम होने लगेगा तो क्या करेगी, फर्म्स मार्केट से निकलती जाएंगी, एग्जिट करती जाएगी, बंद होती जाएगी, है ना फर्म्स. तो इस वजह से क्या होता है, लॉन्ग रन में जो फर्म्स होती है उनको नॉर्मल प्रॉफिट होता है, उनको एक मतलब नॉर्मल अमाउंट का प्रॉफिट होता है, जितनी उनकी कॉस्ट होती है उतना ही उनका क्या हो जाता है, रेवेन्यू हो जाता है. तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट पे जाएंगे हम. डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज मोर इलास्टिक देन द डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, द रीज़न इज. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, इसको ध्यान से समझना है हमें. ये बोल रहा है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है. इलास्टिक मतलब जो ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा इलास्टिसिटी है ना, तो ज़्यादा चेंज होंगे, मतलब प्राइस में थोड़ा भी चेंज होगा तो डिमांड जो कर रहे हैं लोग उस डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगे. तो ये चीज़ जो है ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में है, मोनोपोली में ये थोड़ी कम होती है. ऐसा क्यों, देखो मोनोपोली जो है उसमें क्या है, सिर्फ एक फर्म है. मोनोपोलिस्टिक में जो है बहुत ज़्यादा फर्म्स है ना, तो आई कैन राइट इस लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. अब मुझे बताइए अगर ये एक ही फर्म है और ये प्राइस को 10 से 20 कर देती है ना, तो आपके पास कोई ऑप्शन है, आप किसी और से जाके ख़रीद लें, ऑब्वियसली नहीं है ना. तो आप हो सकता है पहले 2 यूनिट्स को डिमांड कर रहे हो, आप 1 यूनिट को डिमांड कर रहे हैं, तो ये चीज़ हो सकती है, बट इससे ज़्यादा तो कम नहीं होगी क्योंकि आपको एक ही जो पर्सन है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा है. बट लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स जो कहाँ होता है, मोनोपोलिस्टिक में, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी फर्म्स हैं. आप क्या कर सकते हो, अगर एक जगह आपको प्रोडक्ट ठीक नहीं लगा तो आप किसी और जगह चले जाओगे. या इसने प्राइस बढ़ा दी आप बोलोगे चलो मैं इससे ले लूँगा, इसने प्राइस बढ़ा दी आप बोलोगे मैं इससे ले लूँगा, तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं यहाँ पे, है ना. तो इसलिए क्या होता है कि जब
एक मोनोपोली वाला पर्सन अपनी प्राइस को चेंज करता है तो उसकी डिमांड में उतना चेंज नहीं होता, क्योंकि वो अकेला सेलर है, बायर सेलर है ना मार्केट में, तो लोग उसी के यहीं से ख़रीदेंगे। बट अब हमें पता है कि अगर मोनोपोलिस्टिक जो कॉम्पिटिशन है वहाँ पे, बिकॉज़ क्या है, लार्ज नंबर ऑफ़ या फिर मैनी नंबर्स ऑफ वीकेंसी फॉर्म्स की होती हैं, तो एक फर्म ने अगर प्राइस बढ़ा दी, दो फर्म ने प्राइस बढ़ा दी, तो लोग बाकी के जो सेलर्स होंगे उनके पास मूव हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे डिमांड बहुत जल्दी से चेंज हो जाती है। अगर ए फर्म ने प्राइस बढ़ाई तो इसके कस्टमर्स किसी दूसरी फर्म के पास चल जाएंगे, तो इसकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया है ना, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो ये इतना सब बोल रहे हैं यहाँ पे दैट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ज़्यादा इलास्टिक होता है किससे, मोनोपोली से। और रीज़न क्या है इसका, रीज़न है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स। डव का सोप नहीं लिया, निर्मा का ले लिया, निर्मा का सोप नहीं लिया, विवल का ले लिया, तो बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स है, इसने रेट बढ़ा दी तो हम किसी और के पास चल जाएंगे, है ना। तो ये आपका रीज़न है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। मोनोपोली फर्म कैन डिसाइड, मोनोपोली फर्म जो है वो क्या डिसाइड कर सकती है। ऑप्शंस हैं प्राइस, आउटपुट, बोथ, नन ऑफ द अबव। देखो मोनोपोली फर्म का डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये आपकी मोनोपोली फर्म होती है, ठीक है। ये जो है ये हमारा एआर कर्व है, इसको हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं, एंड दिस इज़ द एमआर कर्व। यहाँ पे हमारी क्वांटिटी रहती है, यहाँ पे हम लेते हैं प्राइस को। अब देखो क्या होता है, मोनोपोली फर्म एक फर्म है, या तो वो प्राइस को डिसाइड कर देगी। मान लो उसने प्राइस इतनी रखी है 5 रुपये, लेट सपोज यहाँ पे 5 रुपये, और इसने अपनी प्राइस डिसाइड की कि भाई मैं तो अपना प्रोडक्ट 5 रुपये में बेचूंगा। तो इस केस में हम देखेंगे भाई हमारा डिमांड कर्व क्या बोल रहा है। डिमांड कर्व बोल रहा है कि इस पॉइंट पे टच हो रहा है, अब इससे नीचे मतलब आपकी क्वांटिटी लेट सपोज यहाँ पे 3 है, तो 3 आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरे हैंड पे ये आपका फर्स्ट केस था। अगर दूसरे केस की हम बात करें, सेम आपका जो है ये वाला बात करते हैं हम इसकी, ये आपका एआर डिमांड कर्व, ये है एमआर। अब इस केस में मोनोपोलिस पॉलिस जो है वो बोल रहा है कि भाई मेरे को तो ना इतनी क्वांटिटी सेल करनी है यहाँ पे, लेट सपोज ये आपकी 5, इतनी क्वांटिटी मुझे सेल करनी है। तो डिमांड कर्व देखो यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ से इस तरफ हम जाएंगे तो हमें पता पड़ेगा अच्छा प्राइस यहाँ पे कितनी है, लेट सपोज 10 है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे प्राइस डिसाइड करता है तो क्वांटिटी उसको मार्केट जो डिसाइड कर रहा है वो लेनी पड़ेगी, और अगर वो क्वांटिटी खुद से डिसाइड कर रहा है कि भाई मार्केट में मैं इतने क्वांटिटी बेचूंगा, तो मार्केट की जो प्राइस है वो उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, है ना। ये दोनों चीज़ों को सेम टाइम पे डिसाइड कर पा रहा है क्या यहाँ पे, ऑब्वियसली नॉट, है ना। एक टाइम पे ये एक ही चीज़ को डिसाइड कर पा रहा है। अगर ये प्राइस को डिसाइड करता है तो क्वांटिटी इसको मार्केट से जो भी मिल रही है वो उसको एग्री करनी पड़ेगी, और अगर ये क्वांटिटी को डिसाइड कर रहा है तो मार्केट से जो भी प्राइस मिलेगी इसको वो लेनी पड़ेगी, है ना। तो या तो ये प्राइस डिसाइड कर सकता है, या फिर वो आउटपुट डिसाइड कर सकता है, या फिर दोनों में से एक डिसाइड कर सकता है, ठीक है। नाउ सी द ऑप्शंस, प्राइस, आउटपुट, बोथ, या फिर नन ऑफ अबव। तो हमें पता है कि दोनों चीज़ें वो डिसाइड कर सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम। बट यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं हो रही है, तो वो प्राइस भी डिसाइड कर सकता है, वो आउटपुट भी डिसाइड कर सकता है। या तो वो प्राइस डिसाइड करेगा या फिर आउटपुट, दोनों सेम टाइम पे डिसाइड नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन, क्योंकि टाइम की कोई यहाँ पे बात नहीं हो रही है, तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे बी, दोनों चीज़ें डिसाइड कर सकता है बट नॉट इन द सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव होंगे। 24 सप्लाई अंडर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, बहुत कल ही हमने इसकी बात की थी शायद, अगर आपको याद हो तो, है ना। प्रीवियस वीडियो जो था उसी में हमने इसकी बात की थी। क्या था, सप्लाई अंडर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, बहुत छोटे टाइम पीरियड में हम हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई को चेंज कर सकते हैं क्या, सोचिए। ऑब्वियसली नहीं, अभी हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अगर हमको रिक्वायरमेंट थी, तो 1 घंटे 2 घंटे में हम थोड़ी ना पूरी की पूरी फर्म इंडस्ट्री खड़ी कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम। तो वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा टाइम पीरियड है, बहुत कम टाइम है अगर आपके पास में, तो आप उसमें सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, जो चीज़ चेंज हो सकती है हम उसको बोलते हैं कि भाई ये तो इलास्टिक है, है ना। जो चीज़ चेंज नहीं होती हम उसको क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक, ये चेंज नहीं होती। जो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, मतलब थोड़ा, मतलब कुछ आपने बिल्कुल थोड़ा सा कोई एक्शन लिया और बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। मतलब आपने कुछ एक्शन बहुत कम लिया और चेंज बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, तो वो होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक। बट अगर आपने कुछ भी नहीं किया, वन सेकंड, ओके, सो बहुत छोटा टाइम पीरियड जो है वहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो सप्लाई है
वो चेंज नहीं हो सकती है ना। तो जब आप बहुत कुछ कर रहे हो और कुछ भी चेंज नहीं होता तो हम उसमें क्या बोलते हैं कि भाई ये जो है इलास्टिसिटी नहीं है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक है ना, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। तो सप्लाई भी कुछ ऐसे ही नेचर की होती है, बहुत छोटे टाइम पीरियड में आप कुछ भी कर लो, सप्लाई को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, इजीली चेंज नहीं होती। तो हम क्या बोल सकते हैं, सप्लाई हमारी बहुत छोटे टाइम पीरियड 1 घंटा 2 घंटा इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है, बिल्कुल इन इलास्टिक है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर बनेगा 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देख लीजिए। अंडर विच मार्केट देर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, अभी बताया था, अभी बात की थी हमने इस बारे में। देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सारी फर्म्स होमोजीनस एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रही है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो सब्स्टिट्यूट्स हैं। मोनोपोलिस्टिक की बात करें, अलग अलग फर्म्स है बट मतलब ऑलमोस्ट जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट सेल कर रही होते हैं ना, बिल्कुल सेम तो नहीं होता हर प्रोडक्ट बट ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब सोप है तो सोप ही है सारे प्रोडक्ट, बट हर सोप की फ्रेगरेंस अलग होगी, है ना, फ्लेवर्स अलग होंगे या फिर पैकेजिंग अलग होगी, तो ये वाली चीज़ें हैं। बट मोनोपोलिस्टिक में भी सब्स्टिट्यूट्स तो होते हैं बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, क्लोज नहीं होते। ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉली मार्केट में सब्स्टिट्यूट का वो नहीं होता है, इसमें दो केस होते हैं, एक तो प्योर ओलिगोपॉली जिसमें होमोजीनस प्रोडक्ट होते हैं, और एक होता है हमारा प्योर ओलिगोपॉली में होमोजेनस प्रोडक्ट होते हैं, और एक जो होता है जिसमें होमोजेनस प्रोडक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की बात नहीं होती, देर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे, तो कहाँ नहीं मिलेंगे, अरे मोनोपॉली में नहीं मिलेंगे, मोनोपॉली में एक ही फर्म है ना, इसके जैसा प्रोडक्ट कोई और अवेलेबल करवा ही नहीं रही है, हमने अजम्पशन देखी थी ना इसकी, मोनोपॉली में सिर्फ एक ही फर्म है जो सब कुछ अवेलेबल करवा रही है, तो यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू कंडीशंस इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। अच्छा देखिए, फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस क्या होती है, देखो दो कंडीशन होती है, एक होती है कि मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब हर नेक्स्ट यूनिट से जो आपको रेवेन्यू मिल रही है वो हर नेक्स्ट यूनिट से आने वाली कॉस्ट जो होती है उसके बराबर होनी चाहिए ना, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो आपका कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, मार्जिनल रेवेन्यू आपका ऐसा कर्व होता है, MR कर्व जिसको बोलते हैं, इसका जो मिनिमम पॉइंट होता है ना, ये वाला मिनिमम पॉइंट, यहाँ से जो होता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इसको कट करते हुए निकलता है। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, आपकी सेकंड कंडीशन होती है, तब जाके हम बोलते हैं कि हम इक्विलिब्रियम है ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिल जाता है हमको। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, करेक्ट है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे। सेकंड, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, बिल्कुल सही अभी बताया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन इज़ कॉल्ड नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। देखो कौन सा ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें हम प्राइस से कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी चीज़ों से कर रहे हैं। देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्राइस सेम है, कोई प्राइस का रोल ही प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, प्राइस से कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा, प्राइस जो है सेम है, और कोई भी फर्म अगर प्राइस इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी तो वो एक हमारा अलग काम बन जाएगा ना, ऐसा होता नहीं, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में उनकी प्राइजेस जो होती है वो सेम होती है, ठीक है, होमोजीनस प्रोडक्ट की बात होती है और सेम प्राइसेस होती हैं। अगर हम बात करें मोनोपोली, बिल्कुल यहाँ पे तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो प्राइस की बात तो यहाँ पे भी हो रही है ना, प्राइस की बात यहाँ पे भी हो रही थी। ओलिगोपॉली मार्केट की बात करें, यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे तो कोई भी एक फर्म प्राइस चेंज कर दे तो पूरी की पूरी प्राइस वॉर हो जाती है यहाँ पे, कि तूने चेंज की चल अब मैं भी चेंज करता हूँ, तो पूरी प्राइस वॉर यहाँ पे ओलिगोपॉली में हो जाती है। तो क्या बचा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, भाई यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, मतलब क्या, मतलब सिंपल है भाई, प्राइस तो हम ना अलग अलग रखेंगे। आप देखो अगर कोई एक शैम्पू है वो हर्बल है, बहुत अच्छा है, उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है वो आपको 1000 रुपये की बॉटल पड़ रही हो, कोई शैम्पू ऐसा भी होगा जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है तो 500 रुपये में पड़ रही हो, और कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी क्वालिटी मतलब उतनी अच्छी नहीं है, या फिर किसी भी और रीज़न से उसका लेट सपोज है प्राइस 200, तो प्राइस से कंपटीशन नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट तो तीनों बिकेंगे, ऐसा थोड़ी कि जो जिसकी प्राइस 200 है सब लोग वही खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ता है, नहीं, हमें पता है अगर कोई 1000 चार्ज कर रहा है तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी रही होगी, है ना, इसलिए वो चार्ज कर रहा है, तो प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन नहीं है, ये भी सेल होगा मार्केट में, ये भी सेल होगा, ये भी कस्टमर खरीदेंगे, सब खरीदेंगे, तो फिर कॉम्पिटिशन किस बेसिस पर होता है, तो कॉम्पिटिशन इस बेसिस पर होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसके साथ कुछ ना कुछ ऑफर देते हैं, मतलब क्या 20% ऑफ, 50% एक्स्ट्रा, बिस्किट्स के पैकेट्स जो होते हैं ना उसमें नॉर्मली होता है 50% एक्स्ट्रा, है ना,
और ऑफर्स हमको मिलते हैं। और आप देखो जैसे विम बार होता है तो उसमें क्या होता है, एक स्क्रब फ्री में दे देते हैं। तो आप देखो जब एक कंपनी ऐसा करती है तो सारी ऐसी जो सोप वाली कंपनी होती है वो ऐसा करने लग जाती है। तो ये क्या है, ये नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन है। प्राइस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके हम कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ये डिस्काउंट दे के, हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे के, ऑफर दे के, ये दे के हम क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन कहाँ पर आता है हमारा, द आंसर वुड बी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। करेक्ट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ फर्म कैन सेल मोर ओनली एट अ लोअर प्राइस, इट रिलेट्स टू विच मार्केट। एक फर्म जो है वो सिर्फ प्राइस को, उसको अगर ज़्यादा सेल करना है तो वो लोअर प्राइस पे ही सेल करती है, ऐसा किस में होता है बताओ? परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस कम करने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। मोनोपोली नहीं, एक अकेला है, मोनोपोली में होता है या नहीं होता है सोचिए। तब तक हम बात करते हैं ओलिगोपॉली की। देखो ओलिगोपॉली में तो अभी बताया किंग डिमांड कर्व, अगर यहाँ पे प्राइस भी चेंज कर दोगे तो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी डिमांड, आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है। क्यों श्योरिटी नहीं है मैम? तो इसलिए श्योरिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ फर्म्स ही होती हैं और सारी फर्म्स एक दूसरे की स्ट्रैटेजी का ध्यान रखती है ना। तो एक भी फर्म ने अपनी स्ट्रैटेजी में कोई चेंज की तो काउंटर स्ट्रैटेजी बना लेगा सामने वाली दूसरी फर्म और उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या होगा, काम करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा प्राइस को फ्लक्चुएशन करने का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। ड्यूओपॉली क्या होता है, ये हमारे लिए नया वर्ड है इस सीरीज़ में। देखो ड्यूओपॉली में क्या होता है कि सेलर भी एक है और बायर भी एक है, मतलब एक ही बंदा जो है पूरी इंडस्ट्री में वही सेल कर रहा है, वही प्रोडक्ट बना रहा है, या फिर जो बायर है और दूसरे हैंड पे जो बायर है वो भी एक ही है ना। तो ये वाली चीज़ है यहाँ पे जो ड्यूओपॉली से रिलेट करता है, मतलब सेलर भी एक, बायर भी एक। ठीक है, अच्छा एक मतलब एक सिंगल नहीं, यहाँ पे हो सकता है कि ग्रुप ऑफ बायर्स हो, है ना, जिसको हम एक बायर की तरह ट्रीट करें, तो वो वाली चीज़ है। अच्छा तो कहाँ होता है, ये होता है मोनोपोली में। अभी बताया था कि भाई क्या होता है इसका डिमांड, इसका जो AR मतलब डिमांड कब होता है वो ऐसा होता है डाउनवर्ड फॉलिंग। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि अगर वो प्राइस इतनी चार्ज कर रहा है तो उसकी क्वांटिटी इतनी सेल होगी। अगर वो चाहता है मुझे ज़्यादा क्वांटिटी सेल करनी है तो उसको प्राइस कहाँ रखनी पड़ेगी, उसको प्राइस यहाँ रखनी पड़ेगी। अब देखो प्राइस यहाँ से कम हो गई तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई, है ना। तो अगर उसको ज़्यादा क्वांटिटी सेल करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी प्राइस को कम करना पड़ेगा। कहाँ है हमारा ऑप्शन, ये क्वालिटी हमारी मोनोपोली की, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। 29th क्वेश्चन पे मूव हो जाएंगे जल्दी से। इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस इज़ द की फैक्टर वाइल कम्पीटिंग इन द मार्केट। प्राइस जो है वो की फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं। कैसा, किस मार्केट में होता है ये चीज़ सोचिए, मींस ऐसा किस मार्केट में होता है कि जो हमारी प्राइस वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है जब हम मार्केट में कम्पीट कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिशन में लगे हुए होते हैं ना। तो आप देखिए भाई प्राइस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। रीज़न क्या है कि एक भी फर्म ने अगर प्राइस बढ़ाई तो, क्योंकि प्रोडक्ट तो होमोजीनस है और बहुत सारी फर्म्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं है, एक फर्म से दूसरी फर्म पे जाने पे कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, एक भी फर्म ने अगर प्राइस इंक्रीज़ की तो उसके जितने भी कस्टमर्स हैं वो सब किसी और फर्म के पास चल जाएंगे, लेट्स सपोज बी फर्म के पास चले गए ना। तो इस केस में प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। की फैक्टर मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। एक भी फर्म ने अगर प्राइस को ऊपर नीचे किया तो फिर वो ख़त्म है, है ना। तो प्राइस में फ्लक्चुएशन के कोई चांसेस नहीं है यहाँ पे, तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारी यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर ओलिगोपॉली मार्केट कार्टल एम्स टू मैक्सिमाइज। देखो ओलिगोपॉली मार्केट का कल मैंने आपको वो बताया था कार्टल का, ओपेक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो होता है उनका कार्टल है ये, है ना। कार्टल मतलब क्या, ओलिगोपॉली फर्म जो होती है, बड़ी बड़ी फर्म जो होती है मार्केट में, ओलिगोपॉली मार्केट में, वो क्या करती है, वो एक साथ एक ग्रुप क्रिएट कर देती है और एज अ ग्रुप फिर मार्केट से डील करती है ना। तो एज अ ग्रुप अगर कोई इंसान काम कर रहा है, आप मुझे बताइए, अगर आप एज अ ग्रुप काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप खुद के प्रॉफिट का सोचोगे या पूरे ग्रुप के प्रॉफिट का सोचोगे, अगर आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो तो ऑब्वियसली पूरे ग्रुप का सोचोगे, है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, इंडिविजुअल प्रॉफिट की हम बात नहीं करते, हम कार्टल हैं, एक ग्रुप है, तो हम ग्रुप के प्रॉफिट की बात करेंगे, मतलब पूरी जॉइंट इंडस्ट्री जो है, हमारा जो ग्रुप है पूरा जॉइंट इंडस्ट्री जो है, उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बात करेंगे, है ना। ना तो हमने दोनों के मैक्सिमाइज करने, ना हमें इंडिविजुअल मैक्सिमाइज करें, ना नन ऑफ अबव, हमें अपनी जो ग्रुप है उसकी मैक्सिमाइज करने। जब हम ग्रुप के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, नाउ दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन
बाय बाय। आपकी जो सजेशंस हो वो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिख के जाएं सो दैट हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल। थैंक यू।